महाविद्यालय की सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष इकाई 5 के अंतर्गत अलंकार से संबंधित अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द और उसके अर्थ, उसका काव्य में महत्व, उस पर संक्षिप्त चर्चा करने के पश्चात ही हम प्रमुख अलंकारों का विवेचन करेंगे। अलम और कार, इन दो शब्दों से जो मिलकर अलंकार शब्द बना, अलम शब्द भूषण या गहना से संबंधित और कार अर्थात करने वाला, दोनों के मिलने पर जो अर्थ होता है वह भूषित करने वाला। अलंकार शब्द हम यदि वाच्यार्थ में लें तो आभूषण और भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला होता है। सामान्यतः एक सरल शब्दावली में कहें तो अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। आचार्य दंडी ने भी काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रच्छत दे कहकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा था। अलंकार के कथन के जिस रूप में काव्य की शोभा बढ़ती है सामान्यतः उसे विद्वानों ने अलंकार कहा है। जिस प्रकार एक स्त्री के द्वारा गहना धारण करने के पश्चात या कोई भी नर नारी अपनी शारीरिक शोभा वृद्धि के लिए फूल माला इत्र सुंदर वस्त्र आभूषण आदि जो कुछ भी धारण करते हैं उसके कारण से उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार कवियों ने भी अपनी कविता कामिनी की सौंदर्य वृद्धि के लिए अनेक अलंकारों का उपयोग लिया है। इसलिए अलंकारों का काव्य में बहुत महत्व है क्योंकि वे भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का जो तीव्र अनुभव कराते हैं। सामान्यतः अलंकार उसे कहा जाता है तो वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का जो महत्व मनुष्य के जीवन में है वह कविता में भावों से संबंधित अलंकारों पर ठहरता है। शब्द और अर्थ का जो विचित्रता होती है या जो वैचित्र्य है वह अलंकार कहलाता है और वे काव्य के सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म होते हैं। बहुत सरल शब्दावली में कहूँ मैं आपको तो जिस प्रकार एक स्वस्थ और सुंदर जो स्त्री होती है वह आभूषण जब पहनती है तो उसके सौंदर्य में और चार चांद लग जाते हैं, और यदि वही स्त्री अस्वाभाविक रूप से आभूषणों को अपने शरीर पर लाद लें तो उसका जो प्राकृतिक और जो स्वाभाविक सौंदर्य है वह भी ढक जाएगा और उसका यहाँ तक कि उसका चलना भी बहुत कठिन हो जाएगा और उसकी चाल भी बिगड़ने का बहुत भय रहता है। वही स्थिति काव्य में है। यदि सामान्य ढंग से अलंकारों का प्रयोग करें तो वे काव्य के सौंदर्य में और वृद्धि कर सकते हैं, और यदि ठूंस ठूंस कर अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो सहज सौंदर्य के स्थान पर वे काव्य की आत्मा भावों को ही वह नष्ट कर देंगे। तो यह तो वह एक सामान्य परिचय अलंकारों से संबंधित। अब हम अलंकारों को काव्य की आत्मा के रूप में जो विवेचन किया गया है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक काव्यशास्त्र संबंधित एक बहुत विस्तृत अध्याय है। हम आपके पाठ्य पुस्तक में एक सामान्य जो जानकारी है कि अलंकार का अर्थ और प्रमुख अलंकारों का जो परिचय वह दिया गया है सिलेबस में। तो आज हम पहले अलंकार का जो अर्थ है उसको करने के पश्चात जो अलंकार के प्रमुख भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। शब्दालंकार नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार में शोभावृद्धि का काम शब्दों से लिया जाता है और अर्थालंकार में काम उसके अर्थ पर ही निर्भर होता है। शब्दालंकार में अलंकार योजना करने वाले शब्दों के स्थान पर यदि हम कोई दूसरा पर्यायवाची के रूप में या पर्याय के रूप में कोई भी दूसरा शब्द रख दें तो उस पंक्ति का जो सौंदर्य या जो उसका चमत्कार प्रभाव है वह नष्ट हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से इस रूप में इस तरह से समझ लें कि शब्दालंकार में अलंकार का सौंदर्य केवल उस शब्द की विशेष ध्वनि पर ही निर्भर करता है। जैसे ही शब्द हटाया वैसे ही उसका सौंदर्य, उसका चमत्कार, उसका प्रभाव खत्म। लेकिन अर्थालंकार में ऐसा नहीं होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत शब्दालंकार में जहाँ शब्दगत सौंदर्य होता है अर्थालंकार में अर्थगत सौंदर्य होता है। शब्दालंकार का चमत्कार ऊपरी सौंदर्य का संपादन करता है, वह शब्द बदलने के साथ ही नष्ट हो जाता है, जबकि अर्थालंकार हमेशा बुद्धि और भावना को प्रभावित करेगा। दिल और दिमाग पर उसका प्रभाव अधिक गहरा रहेगा क्योंकि
अर्थ तो उस चीज का फिक्स है एक, यदि हम उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रयोग करते हैं शब्द तो भी उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। यह एक सामान्य बात, आप अच्छी तरीके से इसको समझ लें कि अर्थालंकार अर्थ पर और शब्दालंकार हमेशा शब्द पर ही निर्भर करता है। शब्दों को बदलकर पर्याय रख देने से अलंकार जब नष्ट नहीं होता है तो वह अर्थालंकार कहलाने लगता है, और शब्दालंकार में वाक्यों के शब्दों को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलने पर अलंकार नष्ट हो जाएगा। अब हम सामान्य ढंग से देखें तो मैं इस शब्दालंकार और अर्थालंकार को एक उदाहरण के माध्यम से आपको और ज़्यादा स्पष्ट करूँगा। एक पंक्ति जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। अब इसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है। सामान्यतः देखिए अलंकार जो शब्द अलंकार है उसके अंतर्गत अनुप्रास यमक और श्लेष आदि का उदाहरण हम लेते हैं, तो यहाँ पर भी अनुप्रास के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति हुई है और शब्द अलंकार के अंतर्गत यह पंक्ति आती है। अब तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए यह शब्दालंकार की पंक्ति और शब्दालंकार में भी अनुप्रास की प्रवृत्ति है। अब दूसरे वर्ण में यदि हम इस वर्ण में देखें तो तरनी के स्थान पर मान लीजिए हम सामान्य प्रस्थित शब्द सूर्य का प्रयोग करते हैं, और तनुजा के स्थान पर यदि हम पुत्री का प्रयोग करें, और तरवर के स्थान पर यदि हम वृक्ष शब्द का प्रयोग करें, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए यदि हम, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि तरनी के स्थान पर सूर्य, तनुजा के स्थान पर पुत्री और तरवर के स्थान पर वृक्ष लें, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य पुत्री तट तमाल वृक्ष बहु छाए। तो इस पंक्ति का कोई विशेषता ही नहीं रहेगी, पंक्ति अपने आप में कोई ऐसा लगेगा कि जैसे हमने क्या बोल दिया, एक सामान्य जो बात है वह भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाएगी और उसकी विशेषता खत्म हो जाएगी इस पंक्ति की। यानी जैसे ही शब्द हटाया वैसे ही उसकी अर्थ खत्म, उसकी विशेषता खत्म, जबकि अर्थालंकार में ऐसा नहीं है। मैं अर्थालंकार का एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि जैसे प्राची दिशि शशि उगेहु सुवावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। अब यदि हम प्राची दिशि शशि उगेहु सुहावा, अब शशि के स्थान पर यदि मैं मान लीजिए चंद्र शब्द का प्रयोग करता हूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका पर्याय है, और सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, सिय मुख के स्थान पर मान लीजिए सीता के मुख के स्थान पर मैं मान लीजिए वैदेही मुख या जानकी मुख, है ना, इसका समानता के आधार पर मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, तो भी उसकी विशेषता में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ विशेषता शब्द में नहीं है, यहाँ विशेषता अर्थ में है, इसलिए यहाँ अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार और शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलग अलग अलंकार आते हैं उससे पूर्व मैं स्पष्ट कर दूं और आपको कि काव्य में शब्दालंकार की जगह अर्थालंकारों का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। शब्दालंकार प्रधान काव्य को काव्य में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना गया है, अर्थालंकार प्रधान काव्य को ही काव्य में श्रेष्ठ माना गया है। सामान्यतः हम कभी भी किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं और वह तुलना जब स्थायी होती है उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग ले लें तो वैसे अलंकार काव्य में अधिक ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, चाहे वे उपमा हो, रूपक हो, इस तरह के अलंकार, जबकि शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास और लाटानुप्रास, श्लेष और इसके अलावा यमक का एक विशेष उदाहरण इनका दिया जाता है। यानी इनके इसके अलावा यदि हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अलंकार इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, और इन अलंकारों का प्रयोग केवल उसके शब्दों पर ही निर्भर करता है। मैं यहाँ पर पहले हमें शब्दालंकार से संबंधित जो प्रमुख अलंकार है उसका मैं उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करूँगा कि अनुप्रास को यदि हम लें तो यहाँ वर्ण या वर्णों के जो समूह हैं उसकी आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक या दो बार या दो से अधिक भी हो सकती है, तो वे सभी अनुप्रास या लाटानुप्रास के अंतर्गत कहलाते हैं। अब यदि उसमें जैसे एक मैं पंक्ति बोल रहा हूँ कि भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले, अब इसमें भ वर्ण की
जो आवर्ती है इसका वर्ण समूह है वो दो बार आया है। यदि इसके स्थान पर मैं किसी अन्य वर्ण समूह का प्रयोग करूं तो उसकी वह विशेषता ही नहीं रहेगी, वह उसका बिल्कुल जैसे ही शब्द को हटाया वैसे ही उसका अर्थ खत्म हो जाएगा वहां पर। इस कारण से यह अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत केवल शब्द जो आता है, वर्ण समूह जो बार बार आता है, यह उस पर ही निर्भर करता है। अब इसमें ज़्यादा जो भेद हैं उसकी चर्चा आपके लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है, मैं केवल नाम दे करके आपको इस अनुप्रास के जो भेद हैं उसकी अलग अलग सभी भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण न करके मैं केवल एक नाम आपको बता रहा हूँ। जैसे अनुप्रास में छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये चार उसके भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि वर्ण या वर्ण का समूह दो बार आता है तो छेकानु होता है, वर्त्यानु में वर्ण या वर्ण का समूह तीन बार आता है तो वर्त्यानु, श्रुत्यानु में जो बहुत से जो वर्णों का जो प्रयोग होता है वह श्रुति की आवृत्ति होती है, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का वहाँ प्रयोग किया जाता है। यहाँ इतना हम डिटेल में न जा करके केवल मैं यमक और श्लेष इनके भी शब्दालंकार के अंतर्गत ये दो महत्वपूर्ण जो अलंकार हैं उसका उदाहरण देकर मैं फिर अर्थालंकार पर आऊँगा। जब कोई शब्द अनेक बार या दो से, जैसे मान लीजिए दो बार आए और अर्थ उसका प्रत्येक बार भिन्न हो तो निश्चित रूप से वह यमक अलंकार कहलाता है। और श्लेष और यमक जो है उसमें अंतर केवल इतना है, इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वह श्लेष अलंकार होता है, यानी केवल शब्द तो एक है लेकिन उसका अर्थ है वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो सकता है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध दोहा सब लोगों ने सुन रखा होगा कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गई न उबरे मोती मानस चुन, यानी पानी नष्ट हो जाने पर क्या होगा, मोती मनुष्य और चून किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि मोती के साथ उसकी आभ जो चमक होती है और मनुष्य के साथ उसकी इज्जत होती है और चूने के साथ जो जल का प्रयोग होता है। यहाँ पर पानी के एक से अधिक अर्थ होने के कारण से यहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह शब्दालंकार में यदि हम एक भी यहाँ पर किसी शब्द को हटा दें और उसके पर्याय के रूप में कोई दूसरा रख दें तो यहाँ कोई अर्थ बैठ ही नहीं सकता, इसलिए यह पूरी तरीके से शब्द पर निर्भर होता है, इसलिए श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो यमक अलंकार है वह भी श्लेष के समान ही शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अलग अलग अर्थ होते हैं उसके हर बार, हम उसके स्थान पर कोई पर्याय के रूप में दूसरा शब्द नहीं रख सकते। आप सब लोगों ने एक बहुत प्रचलित दोहा सुन रखा है कि कनक कनकते सौ गुनीर मादकता अधिकाय, या खा रहे बौराय नर पाए बौराय, यानी पहले कनक का अर्थ यहाँ पर सब जानते हैं स्वर्ण यानी सोने से और दूसरे का धतूरा से है। तो पूरे शब्द की आवृत्ति जो है वह पूरा जो दुआ शब्द की आवृत्ति पर या शब्द पर ही निर्भर है, इसलिए मैंने पूर्व में भी आपको स्पष्ट किया था कि शब्दालंकार में जैसे ही हम शब्द को हटाएंगे वैसे ही उसका पूरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए शब्दालंकार को काव्य में इस कारण से बहुत ज़्यादा उसको श्रेष्ठ दृष्टिकोण से भी नहीं देखा गया है, क्योंकि शब्द हटाकर यदि हम पर्याय के रूप में कोई दूसरा शब्द रखते हैं और फिर उसका अर्थ वही रहे तो असली पंक्ति तो वही भी ना काव्य में, उसका सौंदर्य और उसका चमत्कार प्रभाव बराबर बना रहे, इसलिए अर्थालंकारों का ज़्यादा महत्व है साहित्य में। शब्दालंकार में अलंकार योजना करने वाले शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची के रूप में दूसरे शब्द रख देने से जो पंक्ति का सौंदर्य या चमत्कार या प्रभाव जो होता है वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, इसलिए शब्दालंकार में पर्यायवाची के रूप में हम दूसरे शब्द रख ही नहीं सकते, अर्थालंकार में ऐसा संभव नहीं है, वहाँ रखा जा सकता है। अब मैंने आपको दो तीन उदाहरण इसके प्रस्तुत किए थे शब्द शब्दालंकार के, जिसमें अनुप्रास, यमक और
श्लेष। इसके अलावा वैसे अन्य कई इसमें अलंकार भी आते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत, जिसका हम विवेचन किसी दूसरे व्याख्यान में करेंगे। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष के अलावा इसमें पुनरुक्ति, प्रकाश, लाटानुप्रास, वक्रोक्ति, विपसा और पुनरुक्ता, पदाभास आदि शब्द अलंकार आते हैं। किंतु अब हम पहले थोड़ी चर्चा अर्थालंकार पर कर लेते हैं। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हमारे सामने आएगा? अर्थालंकार पूरी तरीके से जो अर्थ पर निर्भर करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से जब हम उसकी समानता बताते हैं, तुलना करते हैं, और उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखते हैं, तो भी उस वस्तु के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके अंतर्गत उपमा अलंकार जो है वह लिया जाता है। इसके अंतर्गत रूपक, अन्वय, उत्प्रेक्षा और इसके भी प्रतीप, स्मरण, व्यतिरेक, ये सभी जो अलंकार हैं, ये सभी अर्थालंकारों से संबंधित हमारे सामने इनका विवेचन होता है। अब हम उपमा में यदि हम लें, तो उपमा के अंतर्गत क्या है कि जैसे किसी जो वर्णित कोई वस्तु है या प्रस्तुत जो वस्तु है, उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर जब हम किसी अन्य वस्तु से उसकी समानता स्थापित करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात कोई ऐसा गुण होता है जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है। मुख कमल के समान सुंदर है। अब मुख उपमेय है, कमल उपमान है, समान जो शब्द है वाचक शब्द और सुंदर एक साधारण शब्द है। अब यदि कोई भी हम इसके स्थान पर मुख कमल सा खिल गया है, बात वही है, यहां पर अंतर हमने थोड़ा सा किया है, फिर भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ है। मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख कमल जैसा है, कहने का तात्पर्य यह है कि यहां जो शब्द पर न रहकर अर्थ पर निर्भर है पूरी तरीके से, इस कारण से यहां अर्थालंकार को, उपमा को अर्थालंकार के अंतर्गत माना गया है। रूपक उदाहरण, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों को आप एक, केवल एक ही उदाहरण से मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं कि जैसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना उत्प्रेक्षा होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बता देना उपमा अलंकार होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा ही मान लेना वहां रूपक होता है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहां उपमा हो गई। मुख कमल है रूपक, मुख मानो कमल है उत्प्रेक्षा। तो जहां संभावना प्रकट की गई है वहां उत्प्रेक्षा, जहां समानता प्रदर्शित की गई है वहां उपमा, और उसको उपमेय और उपमान को, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बिल्कुल वैसा ही मान ले तो रूपक। तो यहां आप ज्यादा उसको भ्रमित ना होकर के केवल जो इस तथ्य को केवल समझें कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, समानता बता देना या वैसी ही होना, ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के अंतर्गत हमारे सामने प्रकट होते हैं। अब एक अन्य व्याख्यान में मैं अन्य अलंकारों का उदाहरण दूंगा, अर्थालंकारों का।